तो जब भी हम किसी रिलेटिव या गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं तो वो हमारे मोबाइल को यूज़ करने के लिए मांग लेते हैं, लेकिन अगर हमारे मोबाइल में कॉल हिस्ट्री कॉन्टैक्ट या फिर एसएमएस में कोई ऐसा वैसे एसएमएस या कोई जानू बाबू के नेम से कोई नंबर सेव कर रखे हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो कई बार प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि हम ना चाहते हुए भी उस चैट को डिलीट नहीं कर सकते, उस कॉल हिस्ट्री को डिलीट नहीं कर सकते, तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए मैं एक ऐसा एप्लीकेशन लेके आया हूँ जिससे कि अगर आप उस कॉल हिस्ट्री को, कॉन्टैक्ट लिस्ट को, एसएमएस हिस्ट्री को डिलीट भी कर देंगे तो बाद में आप उसे वापस से लेके आ सकते हैं। तो एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ से आप मैसेज को बैकअप कर सकते हैं, कॉल हिस्ट्री को बैकअप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट को भी बैकअप कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें मैसेज बैकअप करने हैं तो आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट मैसेज पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे बस सेव पे क्लिक कर देना है। तो आपके मोबाइल में डाउनलोड के फोल्डर में एक मैसेज नेम की फाइल सेव हो चुकी है। इसी प्रकार आप यहाँ पे कॉल हिस्ट्री का बैकअप ले लीजिए और यहाँ पे कॉन्टैक्ट का बैकअप भी ले लीजिए। इसके बाद भले ही आप अपने मोबाइल की कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दें, कॉन्टैक्ट नंबर डिलीट कर दें, यहाँ तक कि एसएमएस भी डिलीट कर दें, तो भी आप इन्हें बाद में रिकवर कर सकते हैं। अब आप अपना मोबाइल जिसे चाहे दे सकते हैं, क्योंकि आपके मोबाइल में अब कुछ भी नहीं है। जब वो बंदा आपको आपका मोबाइल वापस कर दे तो आप ये सब वापस ले आइएगा। तो वापस से रिकवर करने के लिए आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। पहले हमने एक्सपोर्ट किया था, अभी हमें इंपोर्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम मैसेज को इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पर आपको इंपोर्ट मैसेज पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको परमिशन देनी होगी। परमिशन देने के लिए आप मोबाइल की सेटिंग में आएंगे, यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे मैनेज ऐप्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट ऐप्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे एसएमएस ऐप पे क्लिक कर देना है और इस ऐप को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अभी आपको यहाँ पे इंपोर्ट मैसेज पे क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पे मैसेज की फाइल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। तो आप देखेंगे आपके वो सभी मैसेज यहाँ पे लोड हो जाएंगे, आपके वो मैसेज रिकवर हो जाएंगे। तो एक साथ में सारी चीज़ें आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे कॉल हिस्ट्री को भी रिकवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंपोर्ट कॉल लॉग पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कॉल फाइल्स को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारी कॉल हिस्ट्री भी यहाँ पे रिकवर हो जाएगी। हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर को भी रिकवर कर लेते हैं। इंपोर्ट कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे कॉन्टैक्ट की फाइल को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी रिकवर हो चुके हैं। तो चलिए अभी मैं इसे आपको चेक भी करा देता हूँ कि ये रिकवर हुए भी है या फिर नहीं। तो मैं यहाँ पे डायलर पैड को ओपन कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे कॉल हिस्ट्री हमारी रिकवर हो चुकी है। ये कॉल हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, एसएमएस हिस्ट्री, ये सारे मैंने आपके सामने डिलीट किए थे, अब ये वापस से आ जाएंगे। देख सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर भी हमारे वापस आ चुके हैं। मैं मैसेज भी आपको दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं मैसेज भी सारे के सारे वैसे एज इट इज आ चुके हैं। तो जब भी आपको लगे सामने वाला बंदा मेरे मोबाइल में ये सब चीज़ें चेक कर सकते हैं तो आप बैकअप लेके उनको डिलीट कर दीजिएगा, बाद में आप रिकवर कर लीजिएगा। तो कैसी रही वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी कमाल की बेहतरीन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।